राम मंदिर आंदोलन में देश के बहुत सारे बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग हंसते हंसते कर दिया। राम मंदिर आंदोलन में पूज्य संत महाराज जी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अवध नगरी अयोध्या से रणनीति बनती थी, तैयारियां चलती थी, कैसे राम मंदिर के लिए संघर्ष किया जाए, कैसे राम मंदिर के लिए योजना बनाया जाए। एक ऐसे पावन पवित्र स्थल पर, स्थान पर हम आप सबको लेकर आए हैं, जहां पर आप सबको दर्शन कराएंगे। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी आया करते थे और यहाँ पर बैठकी करते थे और यहीं पर जो है रणनीति बनाई जाती थी। 500 वर्ष पुराना ये प्राचीन इतिहास है। यहाँ की अगर पीछे ईंटें देखेंगे, दीवारें देखेंगे, तो वो सारी ईंटें बयां करेंगी खुद ब खुद कि ये स्थान कितना प्राचीन है और पुराना है। इसी पेड़ के नीचे रामचंद्र परमहंस दास जी बैठते थे और बैठने के बाद यहाँ पर रणनीति बनाई जाती थी कि कैसे विवादित ढांचे को ढहाया जाए, कलंक को हटाया जाए और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाए। पीछे अगर ईंटें देखेंगे तो वो प्राचीन 500 वर्ष पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। यहीं पर वो स्थान है, स्थल है, जहां पर नित्य गोपाल दास महाराज जी, रामचंद्र परमहंस दास जी, बहुत सारे पूज्य संतों का जमावड़ा लगा करता था। तो आइए महाराज जी से जानते हैं पूरी जानकारी कि कैसे यहां पर मंदिर को लेकर योजनाएं और तैयारियां बनती थी। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। क्या नाम है महाराज जी? वेंकट श्रीनिवासाचार्य। क्योंकि हमारे इष्टदेव जो है विष्णु भगवान है जी, और श्री रामचंद्र जी हैं जी। ये अयोध्या वाले श्री रामचंद्र जी ही वहाँ दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर भगवान कहे जाते हैं, उसी के रूप में विराजमान जी। कौशल्या से प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैनमानिकम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यां मंगलम कुरु जी। आपकी वाड़ी में तो अभी भी नौजवान की तरह जोश और उत्साह दिखाई देता जी। है जी। महाराज जी पूज्य परमहंस दास रामचंद्र दास जी भी आया करते थे जी, बराबर आया, हाँ आया करते थे। छोटी छावनी के महंत जी भी आते थे, आते रहते थे, उठते बैठते थे और आना जाना था सब जी। और सारे संत जो है वो विचार विमर्श किया करते थे जी। महाराज जी राम मंदिर भव्य बन रहा है, लेकिन कार सेवा के समय पे आप कहाँ थे, आपका परिवार कहाँ था, कैसे आप लोगों ने कार सेवा की? हम लोग सब उधर ही थे जी, कार सेवा के बीच में ही थे जी। 90 में जब गोली चली थी उस समय कहाँ पर? उस समय भी वही था मैं जी, राम जन्मभूमि के पास है, आसे पास में था जी, हनुमानगढ़ी और इसके बीच में था जी। उस समय तो बड़ी तबाही मची थी, उस समय तो पूरा हाहाकार, लेकिन प्रभु ने ही कृपा किया जी, श्री रामचंद्र जी ने ही कृपा किया और रक्षा किया जी। और जो है अगर मनुष्य रहता है अगर तभी तो कोई कार्य करेगा जी, जीवित रहेगा तभी तो कुछ कार्य करेगा जी। इसलिए जो है क्या नाम से धर्मो रक्षत रक्षता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी श्री रामचंद्र जी रक्षा करते हैं जी। जब विवादित ढांचा ढहाया गया 6 दिसंबर को जी, तो उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय हम जन्मभूमि के पास ही थे और हनुमानगढ़ी के बीच में ही थे जहाँ पर वो गोलियां चलाई जा रही थी जी। परिवार के सभी लोग जो है, सब बच्चे और सब बच्चे चले गए थे उधर ही थे, राम जी के लिए जी, श्री रामचंद्र जी के लिए आहूत देने के लिए ही चले गए थे। तब ऐसा महाराज जी जुनून था कि बस राम काज के लिए मर मिटना है जी, जी। राम मंदिर के लिए जो है अपना पूरा जीवन सर्वस्व जी, उत्थान करना है किसी तरह से जी, कि भगवान श्री रामचंद्र जी जी स्थापित हो जी जी। आप लोग को पता था कि जो राम के दूत लंका पार करके लंका को दहन कर सकते हैं जी जी, तो उस उन राम जी में कितना बल होगा? राम जी में इतना बल है जी कि रावण के दरबार में उसके प्रभावशाली रूप को देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रभावित हुए जी। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में भी बताया कि रामदासा से दूतोस्मि वानर से विशेषता है, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और वानर जाति के मेरी विशेषता है कि, और हमारे प्रभु कैसे हैं श्री रामचंद्र जी कि सर्वान लोकान सुसंघृत्य सभूतान सचरा चरान पुनरे तथा त्रष्टुं शक्तो रामो महा, ऐसा उससे कहा रावण से कि तुम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि एक बार पृथ्वी का संहार कर सकते हो सबका जी, लेकिन हमारे प्रभु मैं जिस प्रभु का दास हूँ सेवक हूँ वो हमारे प्रभु ऐसे हैं कि सर्वान लोकान सुसंघृत्य सारे लोगों का एक बार में संहार कर दे
जितने ब्रह्मांड तक को उसका संहार कर दें। सर्वान लोकान सुसंग्रत सभूतान सचराचरान सर्वभूत सचराचर को जड़ चेतन सबको और पुनरेव तथा तुम फिर दोबारा तुरंत वैसे हरा भरा कर देंगे, ऐसे शक्ति वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के मैं कामय सेवक हूँ दूत हूँ। बोल से राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे आस्था हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, अभी भगवान कृष्ण जो हैं को गए मात्र 5000 कुछ वर्ष हुआ जी, और भगवान कृष्ण ने सारी व्यवस्था की थी, और कलयुग में जो है जी। आप लोगों ने सारी व्यवस्था दिया वहां दक्षिण यहाँ वहां से लेकर के द्रविड़ तक जी। सारी व्यवस्था दिया जी। श्री रंगनाथ जी हैं जी। भगवान राम श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या विजित कर श्रीलंका विजित करके आए जी। तो माता जी के सारे विमान पुष्पक विमान से सारे लोग आए हुए थे, एक जगह उसमें हमेशा खाली रहती थी उस विमान में और कभी वो दुर्घटनाग्रस्त होती नहीं थी वो विमान। हाँ ये बात है, ऐसा वैज्ञानिक जी तत्व था उसमें कभी दुर्घटना होती ही नहीं थी जी, और एक जगह खाली रहती थी। तो उन्होंने क्या नाम से माता जी प्रसन्न जी माता जी भगवती माता जान भगवती श्री जानकी जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज को हीरे की माला दे दिया। तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का तत्व ढूंढने लगे तोड़ने लगे। फिर क्रम जब आया विभीषण का बोले ये सब जी, तो विभीषण का क्रम आया तो विभीषण ने कहा विभीषण से श्री रामचंद्र जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या प्रसाद दें। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज सब कुछ तो आपने हमें दे दिया, जो संपत शिव राव ने ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण को सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने यह विचार किया कि मेरा क्या था, मैंने क्या दिया इसको जी, इसके भाई का ही कुबेर का ही तो था ऐसा, मेरा क्या था। तो कहे अगर बार बार पूछ रहे भगवान, तो कहे अगर कुछ प्रभु देना ही चाहते हैं तो आपके कुल देवता जो श्री रंगनाथ जी हैं उनकी प्रतिमा को हमें आप हमें दे दीजिए। भगवान भी बड़े धर्म संकट में पड़े, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी श्री राम श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष और श्री विभीषण जी के समक्ष कुछ सिर ऊपर नहीं उठा सकते थे, इतना उपकार था उनका, कृतज्ञ नहीं थे जी। और समुद्र गंभीर धैर्य हिमो अनिवा विष्णा सरसो वीरियम सोमवत पिन दर्शना। भगवान जैसे चंद्रमा का प्रकाश सबके यहाँ जाता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे जो हो, सबके दरवाजे आंगन में प्रकाश रहता है चंद्रमा का प्रकाश, उसी तरह से भगवान सोमवत्र दर्शना कालांग संसा क्रोधो क्षमया प्रतिमा। और रंगनाथ भगवान को दे दिया, उन्होंने श्री रंगनाथ जी को दे दिया मूर्ति जी। और वो कहा कि देखो इसको ले तो जा रहे हो लेकिन कहीं रखना नहीं, अगर रख दोगे तो फिर वहीं रह जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे नहीं। लेके चला वो सिंहासन सहित जी। जामवंत का क्रम आया जब ऐसे ऐसे सबको विदाई किया जी जी। पूज्य महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शक्ति का वर्णन किया और आपका रोम रोम रोमांचित हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात हनुमान जी हैं और अभी लंका दहन कर देंगे। तो जब आप राम जी का नाम लेंगे प्रभु राम जी का स्मरण करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी और आप भी रोम रोम रोमांचित हो जाएंगे। तो ऐसे ही हनुमान भक्तों ने 6 दिसंबर 1992 को ढांचे पे चढ़ गए और उसके बाद भारत का जो कलंक था उसको मिटाने का काम किया। तो आज भी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में ये सर्वविदित है कि राम दूत बनिए तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन का मंगल होगा और आप लंका दहन भी कर सकते हैं। संवाद टीवी के माध्यम से ऐसे ही राम भक्तों का दर्शन हम सब कराते रहेंगे। अगर आप भी किसी अयोध्या की बात से जुड़े हुए हैं, आप भी किसी अयोध्या में आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो जरूर संवाद टीवी से संपर्क कर सकते हैं जी। रावण से श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये न सप्तोष में कैलाश मया प्रहसिते पुरा सो अयम वानर मूर्ति। कैलाश पर्वत पर तुम हमको देख करके हंसे थे ना, वही मैं अपना परिचय पूछा तो कहा सो आयम वानर मूर्ति, वही वानर मूर्ति मैं हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जी।
बोल श्री रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 जय श्री राम जय जय हनुमान 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 जय श्री राम जय जय हनुमान।